हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन सेफ्टी चार। आज हम लोग थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर एरिया में है। आज इस बॉयलर एरिया में हम एक लिफ्टिंग प्लांट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस लिफ्टिंग प्लांट आपका असेंबल हुआ है वाटर वाल पैनल बक्स्टे और हेडर के साथ असेंबल किया गया, और उसके साथ साथ बक्स्टे को रेस्ट करने के लिए लेबलर गाइड का इस्तेमाल किया गया। इस असेंबल का टोटल कैपेसिटी है, वेट जो है 84 टन है, और ये हेडर का वेट इसमें 12 टन है। उसके साथ वाटर वाल पैनल का जो इस्तेमाल किया गया है, इस वाटर वाल पैनल का मैं आपको साइज बता देता हूँ, 11.56 इसका विड्थ है और 21.336 इसका लेंथ है, और ये टोटल 12 नंबर है, 12 है, और इसका टोटल अप्रोक्सीमेटली वेट जो है 56 टन आ जाता है। और इसके साथ साथ हमने 4 बक्स्टे का भी असेंबल किया है, 4 बक्स्टे, और इसके साथ साथ लेबलर गट 4 बक्स्टे को रेस्ट करने के लिए लेबलर गट का इस्तेमाल किया था। और ये बक्स्टे का 4 बक्स्टे का टोटल कैपेसिटी मतलब वेट जो है 26.9 टन है, और यह हमारा टोटल जो असेंबल है 84 टन आ रहा है। और इसको लिफ्टिंग करने के लिए हमारे को 4 विंच मशीन का इस्तेमाल किया, हमने 4 विंच मशीन का इस्तेमाल किया गया, और ये विंच मशीन का जो रोप है ये 25 एमएम है, और हमने 4 विंच मशीन में 13 फॉल दिया गया, 13 फॉल का इस्तेमाल किया गया, और 80-10 का पुली का इस्तेमाल किया गया। और अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो हमने लिफ्टिंग साइड में जो यूज किया है टूल्स एंड टेकल्स उसके बारे में बताना चाहता हूँ। और टूल्स टेकल्स में हमने बो साइकल्स का इस्तेमाल किया है, बो साइकल्स हमने 55 टन का 4 लिया है, और जो हमारे पैनल को लिफ्ट करने के लिए हमने इसमें लिफ्टिंग लग या लिफ्टिंग प्लेट बोल सकते हैं, ये हमने 4 इस्तेमाल किया है, और ये 4 एक का 54 टन का कैपेसिटी है, और हमने 4 इस्तेमाल किया है। और उसके साथ साथ हमने जो वायरोक्स लिंक यूज किया है वो वायरोक्स लिंक का डाया है 52 mm है, और इसका लेंथ है 10 मीटर का, और एक स्लिंग्स का कैपेसिटी है 30 टन आता है, तो हमने इसका इस्तेमाल किया है। और उसके साथ साथ हमने लिफ्टिंग साइड में 2 इलेक्ट्रिकल वेंच मशीन का, जो इलेक्ट्रिकल वेंच मशीन का कैपेसिटी है उसका 10 टन है, और हमने उसका जो रोप बताया है 25 एमएम में, और हमने 13 फॉल इस साइड में रखा हुआ है, दोनों साइड पे 13 फॉल का इस्तेमाल किया है। सेम हमने टेलिंग एंड में उस तरह से किया है, टेलिंग एंड में हमने बोस्ट साइकल्स लिया है 4 55 टन का, उसके साथ साथ वायर रोप स्लिंग से हमने लिया 52 एमएम का 4 लिया है, और इलेक्ट्रिकल विंच मशीन 2 लिया है 10 टन का, और उसका रोप का डाया है 25 mm है, और उसके साथ साथ हमने 13 फॉल दोनों साइड पे दिया है। और इस तरह से हमारा जो लिफ्टिंग आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन से ये वर्टिकल पोजीशन में किया जा रहा है। और ये लिफ्टिंग जो हमने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमने ये जो असेंबल किया है, हमने हेडर, वाटर वाल पैनल, बक्स्टे, ये जो हाइट पे लगने वाली जो चीज़ है और अलग अलग इरेक्शन होने वाली चीज़ें, तो हमने समय को बचाने के लिए और सुरक्षा को प्रोवाइड करने के लिए हमने इस वर्क को, हाइट वर्क को ग्राउंड वर्क में कन्वर्ट में किए, और ग्राउंड में हमने इसको असेंबल करके हमारा समय और सुरक्षा को इम्पोर्टेंस देते हुए हमने इसको असेंबल 0 मीटर ग्राउंड में किया, और ये हमारे 84 टन हमने सेफली इरेक्शन भी करने जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने सेफली इरेक्शन भी किया है और ये कितनी स्मूथली और इजीली इरेक्शन होता है और टाइम भी बचता है, आप ये देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं हमारा जो, मैं आपने बताना चाहता हूँ जो अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये फॉल क्या है, आप देख सकते हैं ये जो रोप की जो लेंथ है, जो कितना घर बना हुआ है आप देख सकते हैं, ये 13 घर बना हुआ है, और आप देख सकते हैं ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये बक्स्टे बोला जाता है, और आप जैसे देख सकते हैं इसको स्लिंग को किस तरह से बांधा जाता है और डिशेकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, और स्लिंग ना कटे बोल के हमने एज प्रोटेक्शन भी स्लिंग के लिए दिया हुआ है।
तो इस सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादातर हम लोग ध्यान देते हैं, और काम तो बहुत इम्पोर्टेंस है, काम तो करना ही है, लेकिन सुरक्षा पहले है, मद्देनज़र रखते हैं। क्वालिटी एंड सेफ्टी इज फर्स्ट, देन इरेक्शन। प्रोग्रेस तो बाद में दिया जाता है, लेकिन सुरक्षा और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। और आप देख सकते हैं ये जो इरेक्शन एरिया है पूरा खाली है, और ये टोटल बैरिकेशन भी करके किया गया है। और इरेक्शन एरिया में जो ऑथराइज पर्सन है वो इस इरेक्शन एरिया में जा सकता है और उसको इरेक्शन कर सकता है। अभी देख सकते हैं ये हमारा लगभग हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में आ चुका है। आप ये देखें, आप देख सकते हैं ये हमारा वर्टिकल पैनल हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन हो चुका है। मैं आपको अलग अलग व्यू से इसको दिखाऊंगा आपको। आप ये देखें, यह हमारा बॉयलर के लेफ्ट हैंड साइड, ये आप देख सकते हैं इसका साइड व्यू, ये देखिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा लिफ्टिंग लग भी, आप देख सकते हैं ये जो लिफ्टिंग लग है देखिए चार है, और ये हमारा विंच से अटैचमेंट है। और ये विंच आप देख सकते हैं ये टॉप 106 मीटर के हाइट से नीचे आया हुआ है, और ये हमारा इरेक्शन 94 मीटर पे इरेक्शन होगा, और ये टाई रॉड के साथ अटैचमेंट होगा। मैं आपको दिखाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से इरेक्शन होता है और काम कर कैसे काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा ऑलरेडी पोजीशन पे आ चुका है, और ये आपको मैं अपने वीडियो में तो पॉज ये थोड़ा सा आगे पर फॉरवर्ड कर दिया हूँ, लेकिन ये जो इरेक्शन है हमको 3 दिन लग गया, 3 डेज आप बोल सकते हैं, 3 डेज हम लोग को एक इरेक्शन 94 मीटर पोजीशन तक लेके आने के लिए 3 दिन लग गया। आप देख सकते हैं ये हमारा टाई रॉड के साथ हमारा पिन डल चुका है, और यह हमारा इरेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हमने पिन पूरा डालना है, और इस तरह से, और ये टाई रॉड जो है ये सीलिंग गर्डर एरिया से अटैचमेंट होता है, और ये टोटल वाटर पैनल हमारा जो हैंगिंग पोजिशन में रहता है। आपको अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह से मैं आपको कंस्ट्रक्शन साइट का इरेक्शन वर्क और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क जो भी साइट का दिखाते रहूँगा। और आप मेरे इस चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।